नमस्कार, इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद सिराज, जगदेशपुर प्रखंड के सजंगी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी, नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। सार्वजनिक स्थानों पर हो रहे विकास कार्यों में आम लोगों की निगरानी से आयुक्त हुई बेचैन। ठेका एजेंसी को बचाने में आयुक्त ने लगा दिया एडी चोटी का जोर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहे कार्यों में इंजीनियरिंग कॉलेज से भेजी गई टेक्निकल जांच टीम ने गड़बड़ी क्या उजागर कर दी। आयुक्त वंदना किन्नी आग बबूला हो गई। उन्होंने आनंद फानंद में सोमवार को शाम तकरीबन 3 बजे एक प्रेस वार्ता को बुलाया। प्रेस वार्ता में शुरुआत से अंत तक उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज से आई हुई जांच टीम के सदस्य और प्राचार्य के अलावा स्थानीय राजनेता और कुछ पत्रकार थे। आयुक्त संबंधित ठेका एजेंसी के बचाव में इस कदर उतर आई थी कि इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। उन्होंने कहा कि सेंडिस कंपाउंड में हो रहे कार्यों की कोई भी जांच करने पहुंच जाता है, आखिर ऐसे लोगों को जांच की अनुमति किसने दी। उन्होंने कहा कि भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से आई जांच टीम ने बेहद ही घिनौना काम किया है, प्राचार्य सहित पूरी जांच टीम पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे से जांच करने या गड़बड़ी करने या विरोध करने वाले हर किसी पर ठेका एजेंसी को प्राथमिकी दर्ज करने की सलाह दी है। सैंडिस कंपाउंड में निर्माण कार्य में लगे ठेका एजेंसी के बचाव में पूरी तरह तैयार थी आयुक्त वंदना किन्नी। एक सवाल करने पर पत्रकार को आयुक्त ने शट अप भी कहा। सैंडिस कंपाउंड में हो रहे निर्माण कार्य में लगी एजेंसी का आयुक्त जमकर गुणगान कर रही थी, लेकिन निर्माण कार्य में लेट लतीफी और गड़बड़ी की शिकायत पर स्थानीय राजनेता और जांच टीम पर जुबानी हमले लगातार कर रही थी। इस कड़ी में उन्होंने नाम लिए बिना कुछ पत्रकारों द्वारा संबंधित एजेंसी से रंगदारी की मांग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि साक्ष्य मिलते ही उन पर प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी। आयुक्त की माने तो किसी को भी सैंडिस कंपाउंड में हो रहे कार्यों का जांच करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अब सृजन घोटाला हुआ और भी कई काम जिले में गड़बड़ी हुई तो ना इसकी कोई खबर प्रमुखता से प्रसारित होती है और ना ही लोग इस पर विरोध करते हैं, तो फिर इसी कार्य में विरोध क्यों। वहीं अब आयुक्त को कौन समझाए कि जिले ही नहीं पूरी कमिश्नरी में भी होने वाले भ्रष्टाचार और अन्य प्रकार की गड़बड़ी को रोकना उनकी ही जवाबदेही है, फिर एक खास निर्माण एजेंसी को बचाने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों। इसी क्रम में स्थानीय राजनेता और रंगदारी मांगने वाले पत्रकार का नाम बताने के सवाल पर आयुक्त भड़क गई। उन्होंने एक पत्रकार को कहा, शट अप, कम बोलो, जिस दिन सबूत मिला केस करवा दूंगी। वहीं दूसरी ओर पत्रकार के साथ आयुक्त द्वारा किए गए इस तरह के असंवैधानिक बर्ताव से नाराज कई राजनीतिक दल, पत्रकार संगठन और समाजसेवी संगठनों द्वारा मंगलवार को विरोध दर्ज करवाने की बातें भी कही जा रही हैं। विकास चाहते हैं, सिर्फ अपना वैभव ही चाहते हैं और कहीं किसी चीज का वैभव नहीं होने देना चाहते हैं, विकास नहीं होने देना चाह रहे हैं। प्रतिदिन आदमी जा रहा है देखने कि कौन सा सीमेंट लगाया जा रहा है, कौन सी ईंट लगाई जा रही है, और कहने के लिए तो ये बहुत आश्चर्यजनक है कि ईंट वगैरह भी जो ली जा रही है वो जो सामग्री ठेकेदार ने गिराई है उसमें से नहीं ली जा रही है। कोई पुरानी ईंट कहीं ग्राउंड में पड़ी हुई है उसको तोड़ के दिखाया जा रहा है कि ये ईंट लगाई जा रही है, सीमेंट के बजाय मिट्टी उठा ली जा रही है सैंडिस कंपाउंड से और उसको दिखाया जा रहा है ये सीमेंट है ये लगाया जा रहा है। तो पब्लिक को बकायदा मिसलीड करने की एक साजिश हो रही है। स्थानीय राजनेताएं, नेता गण और कुछ लोग, स्थानीय लोग इसको बेवजह विवाद खड़ा कर रहे हैं, काम नहीं होने देना चाह रहे हैं। हर कदम पे जांच हो रही है उनके द्वारा, हालांकि उनको क्या तकनीकी क्षमता है, कितनी समझ है ये पता नहीं। और अभी काम सैंडिस में अगर देखा जाए तो जो काम होना है, मतलब अभी हम लोग जो 30 कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे उसमें स्विमिंग पूल है,
किड्स प्ले एरिया है, बाउंड्री है, गेट है, टॉयलेट है, कैफेटेरिया है, स्टेशन क्लब का जीर्णोद्वार है, मतलब पूरा उसका लुक ही बदल जाएगा पूरे सैंडिस का, लाइटिंग है, जिम है, तो ये सब अभी हुआ ही नहीं है। मात्र 6-7% काम हुआ है सैंडिस में अभी तक, लेकिन इतना काम करने के लिए भी प्रतिदिन हम लोग को रुकावटें झेलनी पड़ रही हैं पब्लिक से, लोगों से। अगर लोग नहीं चाहते थे कि सैंडिस में काम हो, तो फिर पहले हम लोगों पे इतना दबाव था कि सैंडिस करा दीजिए, सैंडिस करा दीजिए। लेकिन उसी में से कुछ लोग हैं जो शायद सैंडिस को अपनी निजी संपत्ति समझते हैं और प्रतिदिन जा के देखते हैं कि क्या काम हो रहा है, मिट्टी लग रही है, ईंट लग रही है, पुरानी ईंटों को दिखा देते हैं, मिट्टी को सीमेंट बता देते हैं। इसके अलावा जब इससे काम नहीं हुआ तो इन लोगों ने भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की टीम को वहां भेजा। उसमें कुछ फैकल्टी मेंबर थे जो स्पॉट पे गए। इसमें थे आराधना कुमारी, मोहम्मद नादिर, अभिषेक चौधरी, अभिषेक कुमार। इन लोगों ने 10 दिसंबर को जाके वहां पर स्थानीय जांच की और जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने मिट्टी दिखा दी सीमेंट की जगह और पुरानी ईंटें दिखा दी नई ईंटों की जगह जो आसपास पड़ी हुई है ग्राउंड में इधर उधर। और उसको सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पूरे मीडिया को साथ लेके वो लोग गए और उन्होंने ये सब चीजें मीडिया में दिखाई। इसके बारे में जब नगर आयुक्त ने प्रिंसिपल से पूछा कि आपने किस आधार पर यह जांच की है, आपको किसने अधिकृत किया यह जांच करने के लिए, आखिर कोई तो पूछेगा ना, या हम ही पूछेंगे क्योंकि हम काम कराने वाले हैं, या कहीं विभाग से आएगा कि पद जो है वो इंजीनियर्स के हैं, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कंपनी सेक्रेटरी, सीईओ, सीजीएम, फाइनल लुक आएगा वो इस तरह से आएगा, करीब ट्रिपल सी सेंटर। ये बेसिकली पूरा बैकग्राउंड है स्मार्ट सिटी का। और मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चन, कौन गंगारी मांगा है उसमें एफआईआर करवा देंगे। बिल्कुल होना चाहिए, यही तो हम चाह रहे हैं, बिल्कुल यही होना चाहिए, एफआईआर होना ही चाहिए। लेकिन हम बिना प्रमाण के बात नहीं करते हैं। तो आपने कहा कि ट्रेंड करने में, ट्रेंड करने की कौन सी बात है, आप थोड़ा कम बोलिए। नहीं नहीं, मेरा सवाल है, आपने सवाल के लिए बुलाया है, पहले जवाब देने दीजिए। स्मार्ट सिटी की जो प्रक्रिया है, ऐसा है कि आपको हम ट्रेन करने लगेंगे ना, तो आपको 6 महीने लग जाएंगे ट्रेन करने, 6 महीने लग जाएंगे, क्योंकि आपका जो एक जो अभी जो बेसिक ग्राउंड है ना, अभी आप ए लेवल पे हैं, पूरा आपको ट्रेन करने में 6 महीने लग जाएंगे। इसका जवाब हम आपको नहीं, अब हम शॉर्ट में दे रहे हैं, उससे ज्यादा हम नहीं देंगे, बिल्कुल टाइम नहीं है आपको ट्रेन करने का। और देखिए, जिस दिन हमको प्रमाण मिल जाएगा ना कौन जानकारी मांगा है, उस दिन एफआईआर करवा देंगे। बिल्कुल होना चाहिए, यही तो हम चाह रहे हैं, बिल्कुल यही होना चाहिए, होना ही चाहिए। लेकिन हम बिना प्रमाण के बात नहीं करते हैं। तो आपने कहा कि ट्रेंड करने में, ट्रेंड करने की कौन सी बात है, एक मिनट थोड़ा कम बोलिए। पहले जवाब देने दीजिए, स्मार्ट सिटी की जो प्रक्रिया है आप लोग स्पष्ट रूप से बता देते हैं क्या प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि ये डिजाइन हम पूरे भागलपुर में हर सिटीजन को दिखाएंगे, ये देखो ये देखो भी बना रहे, इसकी आवश्यकता नहीं है, ना ही पत्रकारों को देने की आवश्यकता है। वो तो हम लोग आज आपको, हम लोग कुछ बनाए थे तो आपको दे दिए, दिखा दिए,
लेकिन जो प्रोसीजर है इस बात से एक एक लाइन हम लोग पढ़ते हैं, डीपीआर इतना मोटा होता है, आपको डीपीआर दे दें कितना आरएफपी दे दें इतना मोटा होता है, एक प्रोजेक्ट का एक एक पेज देखना पड़ता है। दूसरा, हमको जो डिजाइन है, जो प्रेजेंटेशन है, जो अप्रूव ड्राइंग है, जो स्मार्टपी का जो प्रावधान है कि आपने जो भी डिजाइन फाइनल किया इन परियोजनाओं का या जो भी आपने फाइनल आपको लुक देना है, किस तरह का लुक आएगा, क्या स्ट्रक्चर है, ड्राइंग क्या रहेगी, ये सब चीज के लिए एक फोरम बना हुआ है। फोरम बना हुआ है, उसका नाम है CLAS, सिटी लेवल एडवाइजरी फोरम। इसके मेंबर हैं, कौन मेंबर है, सारे MLA MP भागलपुर के, और इसकी बैठक होनी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। इस कंपलसरी बैठक को ऑर्गेनाइज होता है, उसमें MLA कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं, MP MLA इसमें मेंबर है, और ये लोग आते हैं और उसके बाद उनके समक्ष ड्राइंग्स का पूरा प्रेजेंटेशन किया जाता है हम लोगों के PDMC के द्वारा। जब CLF में ये सब पास हो जाता है तब मामला आगे बढ़ता है, नहीं तो उनके सुझाव जो होते हैं वो लिए जाते हैं, उसमें इनकॉर्पोरेट करके और फिर उसको रेक्टिफाई किया। तो हम लोगों के लिए जो पब्लिक हुआ, कौन हुआ, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हुए, MP MLA हुए, जिनको इस मीटिंग में बुलाया जाता है, और ये मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पहले होती। तो जो फाइनल जो प्रपोजल है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बाद में जाता है, उसके पहले CLF की मीटिंग होके उसमें निर्णय हो जाता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अप्रूव करते हैं, उसके बाद ये उसमें जाता है। तो उसके बाद निदेशक मंडल अगर उसको ठीक लगता है उसको अप्रूव कर देता है। तो ये प्रक्रिया है। तो इसमें पब्लिक की तरफ से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव CLF के मेंबर हो, लेकिन अगर अभी किसी तरह की रोक कार्यों में निश्चित रूप से बात करी कार्रवाई, अब हम लोग फ्री हैं, इलेक्शन नहीं है, अब हम लोग ध्यान देंगे। चलिए, थैंक यू मैडम। भागलपुर वासियों को, शहर वासियों को और हमारे सभी पंचायत वासियों को मेरा प्रणाम। मैं ओम प्रकाश यादव, युवा जिलाध्यक्ष एवं जमनी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी। हम तमाम ग्रामीण वासियों को, शहर वासियों को 2021 का बधाई देते हैं कि 2020 में जो आप लोगों का दिन खराब गया, मैं भगवान से यह कामना करता हूं कि 2021 में आपका सभी काम मंगलमय हो, आपकी उम्र लंबी हो। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।